एक बार की बात है, समुद्र मंथन में निकली बहुत सारी चीजें और उनमें से एक था अमृत। असुर अमृतसर के पीछे थे और अमृतसर असुरों के आगे, तो मल्टीवर्स में समुद्र मंथन की चीजें यहाँ वहाँ छुपा दी गई, पर अमृत का ड्रोन छुपाया गया धरती में ताकि ये मूवी बना सके। और उस ड्रोन की रक्षा करने के लिए रखा एक योद्धा जिसको एक बदसूरत सा कड़ा दिया गया, जिससे सिर्फ उसे ही नहीं उसकी आने वाली पीढ़ी को शक्तियाँ मिलेंगी और असुरों से अमृत को बचा पाएगा ये पूरा वंश। और इन्हें नाम दिया गया ड्रोना। बहुत खराब कर रहे हैं। तो ये था इस कहानी का गुड पार्ट। और सरदर्द शुरू होता है छोटे आदि से, जिसने सपने में टॉयलेट देखा तो इसने कर दिया, पर उठ के देखा कि बिस्तर है गीला, तो ये जाता है अपनी आंट मे के पास जिनका कलर टोन है पीला। गिला, 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 गिला। पर आंट मे इसे अपना पीटर नहीं मानती। ये क्या बात हुई आंटी? तो एक दुखी लड़के को क्या चाहिए? 1 Gbps इंटरनेट कनेक्शन ताकि कॉल ऑफ ड्यूटी में 1 ping आए। नहीं, आसमान से गिरता हुआ नीला फूल। कौन मांगा? पर ये कोई ऐसा वैसा फूल नहीं है, ये है रिमोट कंट्रोल वाला नीला फूल। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। और छोटा आदि नीला फूल देख के खुश, तो इसके अंकल बेन जो इसे प्यार करते हैं और इसे आके कहते हैं, विद ग्रेट फूल कम ग्रेट चूंटिया मूवी। बात तो सही है। तो ये छोटा हाथी बड़ा होके बनता है वो एक्टर जिसके अंदर ऑस्कर तक जीतने का पोटेंशियल है, पर बॉलीवुड ने कभी यूटिलाइज ही नहीं किया उसे और ऐसे चूमतिया मूवी पकड़ा दी। बताओ, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो बड़ा आदि जस्ट आदि रहता है अपनी आंट मे और उसके सगे बेटे फैन वाले SRK के साथ, और आज भी आंट मे नहीं करती इससे प्यार। और लाइक इन एवरी स्पाइडर मूवी, अंकल बेन का पहले ही हो गया अंतिम संस्कार। इसका मतलब है कि इसका खून हुआ। तो आदि डिप्रेशन से जूझ रहा है, जैसे कि द एंटायर इंस्टाग्राम यूथ। यार Is that like a personal attack or something? तो ये दीवार पे हाथ मार के उसे तोड़ता है डिप्रेशन में। लाइक ऑल ऑफ अस, हमारी तो उंगलियों का दलिया बन जाता भाई। पर वेल, इस पे थेरेपी के पैसे नहीं है, जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस। तो इसके अंकल बेन ने कहा था, विद ग्रेट फूल कम फ्री थेरेपी। कुछ भी। तो सारी उम्र नीले फूल ने सिर्फ थेरेपी दी थी, पर एक आदमी की बहुत सारी नीड्स होती हैं, जैसे कि कोई सेक्स दे दो यार। अबे वो नहीं बे, एक बदसूरत सा कड़ा जो इसके अलमारी में है पड़ा। तो आदि ने 12 बजे के बाद फैशन टीवी देखा नहीं, तो उसमें फैशन सेंस है ही नहीं, तो ये कड़ा पहन के डेट्स पे जाता है, पार्टीज में जाता है, इंटरव्यू देने जाता है। पर इसे जब ड्रोना का कड़ा मिल गया, तो वहाँ कहीं दूर है एक असुर, टिंटिन बाल वाला रिस राइज़ादा, जिसके नाम में टंग ट्विस्टर है। हेलो, हाउ डू यू डू। रिस एक जादूगर है जो एल्केमी यूज करके बिना इक्विवेलेंट एक्सचेंज किए अपने जैसा बंदा बना देता है और उसे मार भी देता है। मगर क्यों? ये मत पूछना, ये सवाल तो KK मैनन भी आज तक राइटर से पूछ रहा है। कोई बात नहीं। तो ये असुर है अमृत के पीछे और अमृत है असुर के आगे। तो आदि का हैप्पी बर्थडे टू यू आ गया, तो इसे छोड़ के सारे स्टाफ को याद है क्योंकि दारू जो पीनी है। चलना दारू पीने चलते। तो आदि के पास 6,000 रुपए हैं, मगर आदि के पास ना है फैशन सेंस ना ही लाइफस्टाइल सेंस। अस ब्रो अस। तो ये 6,000 का रिस राइज, तो ये 6,000 का रिस राइज, तो ये 6,000 का रिस हरामजादा, जीभ कट गई भाई, उसका ये चूमतिया सा जादू देखने चले जाता है। तो मीट एंड ग्रीट के वक्त रिस हरामजादा इसका हाथ पकड़ता है, उसे कुछ महसूस होता है और वो कहता है, ड्रोना, ए दोना, मेरे कमरे में या तेरे कमरे में? और बेमतलब का अफड़ा तफड़ी शुरू। तो काउंसलिंग वाली नन इसे हिंदी में आके कहती है, हिंदी बोलता है। तो रिस के आदमी और औरत नहीं, सिर्फ आदमी इसको पैदल पकड़ने भागने लगे, और आज तक आदि के फेसबुक ग्रुप में जो भी अंडरकवर एजेंट्स थे वो इसे बचा रहे हैं। चल क्या रहा है भाई इस मूवी में? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। तो जब 80s में बंदूक मिल रही थी वो भी 15 रुपए की, तो ये मुस्टंडेड डार्ट्स यूज कर रहे हैं, बड़े आउटडेटेड लोग है भाई। तो आदि पकड़ा गया कि तभी इन पीले गुंडों को पीली गाड़ी में मारने आती है पीली यंका चोपड़ा, सोनिया, जो अपने बाऊजी से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड रहती है। बाऊजी कहा करते थे? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो ये अपने जेब में घर का झूमर लेके घूमती है, एंड वेल लेवल 1 NPC फाइट शुरू। तो
इतने इम्पोर्टेंट टाइम में सोनिया नाचने लग जाती है। स्वैग वाली टोपी मेरी, स्वैग वाली टोपी, स्वैग वाली टोपी मेरी, स्वैग वाली टोपी। और फिर आदि को आके बताती है कि बाबूजी कहते थे कि मैथ्स में इतने कम कैसे आए। नहीं, सॉरी ट्रूना, एक दिन आएगा हमें वो बचाएगा, तो तुम्हें उसकी चाटनी उसका साथ देना है। तो जब तक ये 2 मिनट का पॉज लेके बात करने वाले डायलॉग्स खत्म हो, ऊपर खड़े गुंडों की लड़की चटक गई। एंड वेल, एनपीसी 2 लेवल फाइट शुरू। तो अब सामने है कटाना स्वॉर्ड, तो इसके पास है कांदा काटने वाला स्वॉर्ड। पर वेल, ड्रोना आदि है शक्तियों का राजा, तो दे मारा इसने लोहे का दरवाजा। अरे वाह। तो सोनिया मुंह खोली और अपने बाबूजी के बारे में बोली। बाबूजी कहते थे जब धनिया खत्म हो जाए तो आयोटेक्स और ब्रेड काम आवे है। आपके घर जाने का वक्त आ गया है, आपकी असली माँ इंतजार कर रही है। मतलब होम स्वीट होम, नहीं होम ड्राई होम। राजस्थान मारो, राजस्थान, राजस्थान मारो, जहाँ आदि की माँ तो इसकी असली माँ है, जो 45 साल के बाद अपने बेटे से पहली बार मिल रही है। तो पहले 4 मिनट का गाना 2 बीघा दूर खड़े होके हो जाए। One eternity later. फिर वो बताती है, तेरा बाप एक ड्रोना था, वो किसी को पेल के वापस आ रहा था। उसको एक दिन कुएं में बच्चा दिखा, बच्चा पर असुर था, तेरे बाप को डुबा के मार दिया। तो तेर को बचाने के लिए हमने फेंक मार दिया और अंकल बेन के पास भेज दिया। स्टोरी एंड। बड़ी अजीब माँ है ये। तो इसकी माँ इसे ले जाती है इसकी पूर्वज पुराने ड्रोना की कब्र पे, जहाँ इसे दिखता है वही नीला फूल। और इसके अंकल बेन ने कहा था, विद ग्रेट बादल कम ग्रेट विलन। पर ये विलन तो ग्रेट है ही नहीं। क्या अंकल बेंटन, आपको सोनिया के बाबूजी से मिलना चाहिए। Yes. तो रिस हरामजादा आके कहता है, हेलो आंटी, डू यू वांट टू गेट स्टोन्ड? ये लो। और ड्रोना सब बढ़िया, कैसे होगा? मम्मी तो स्टोन हो गई। गांजा, गांजा। कोई नहीं, मेरे को अमृत का लोकेशन दे दे, मैं इसको अंडू कर देगा। ओके बाय। तो अब आदि दुखी है, करे तो करे क्या, और सोनिया और उसके बाबूजी तो साकुरा से भी ज्यादा यूजलेस है। तो इसे मिला कबर में सैमसंग गैलेक्सी रेगिस्तान वर्जन। तो ये सारे सैमसंग गैलेक्सी को जोड़ के बनाता है सैमसंग गैलेक्सी टैब, और उससे इसको मिला एक चावल का दाना। अरे क्या क्या करूं मैं इसका है? इतने में कौन कन्वर्ट होता है? तो अगले दिन रिस भड़वा वहाँ आया और कहा, और बेटा मम्मी कैसी है? हैं? अभी भी स्टोन्ड है। लॉल। ला चावल ला, मैं बिरयानी बनाएगा, पर उससे पहले चाहिए आग। तो ये बिरयानी बनाने के लिए चावल चुरा के ले जाता है और आदि को भूनने वाला है कि आदि के पूर्वज आर लाइक, क्या चूतिया मूवी है, हमें ही कुछ करना होगा, ये तो अमिताभ का लौंडा है, 10 के बाद 10वीं करना। प्रीत सीजन 2 बहुत बढ़िया है भाई, अब से वेब सीरीज ही करना, बॉलीवुड की तरफ मत देख। बात तो सही है। चल अब मूवी में वापस चलते हैं। तो वो इसे बचाते हैं और इसे आंख बंद करके खोलने वाला पावर देते हैं। हाँ मतलब पूरी पिक्चर में यही हो रहा है। आंख दिखाता है मादर जात। तो रिस आधा पादा भाग गया। तो अब इसे अपने पूर्वजों की ड्राई क्लीन की हुई शेरवानी पहननी होगी, एंड ये पहन भी लेता है क्योंकि इसने एफटीवी रात के 12 बजे के बाद कभी देखा ही नहीं था ना, तो इसमें कोई फैशन सेंस ही नहीं है। तो पहले इन्हें जानना है चावल के दाने का राज। तो वो राज छुपा है राज नगर में, जो जगह खुद एक राज है, इतना भी बड़ा राज नहीं है, ये मूवी ही चूतिया है। Exactly. तो वहाँ इससे भी ज्यादा गांडा फैशन सेंस रखने वाले से पता चलता है कि चावल तो था ड्रोना के लॉकर की चाबी, और लॉकर खुला हुआ है, लगता है लैपटॉप चोरी हो गया। Everything is missing. My passport, my document. तो इसे पता चलता है कि इसके पास तो एक घोड़ा है, यूपी में तो हर बंदे के पास होता है, और उसी घोड़े को पता है अमृतपाल का लोकेशन। एंड गेस व्हाट, वो घोड़ा है एक पेन में, क्योंकि रिस चीनी कम पानी ज्यादा ले जा रहा है उसे ट्रेन में। तो घोड़े को अनलॉक करने का टाइम शुरू। और घोड़ा अनलॉक। एंड सिंस सोनिया को सिर्फ बाबूजी वाले लाइन के लिए नहीं रखा था मूवी में, तो इसे अब ड्रोना का ड्रोन चाहिए, इफ यू नो व्हाट आई मीन। मुझको सेक्स करा दे रब्बा। एंड घोड़ा इन्हें ले जाता है स्टोन म्यूजियम में, जहाँ है संदूक। संदूक
संदूक संदूक आओ और संदूक में है बंदूक आई मीन शंख और उसमें लिखा है अमृत मिलने में ना हो जाए तू लेट इसीलिए इसमें फूंक वो मारेगी जो ड्रोना के साथ होना चाहती है इंटीमेट मेरे को सेक्स और जिंदगी में पहली बार आइसक्रीम की जगह इसके मुंह में क्रीम आने वाली थी कि तभी मछली जाल में फंसी और बीच रेगिस्तान में समुंदर प्रकट हुआ और वन पीस के पायरेट्स इसे उठा के ले गए अरे रे 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 ये पक्का सांझी होगा बीच के दादू तो अब क्या करें कि इसके अंकल बेन ने कहा था विद ग्रेट फूल कम ग्रेट रास्ता इन राजस्थान तो वो रास्ता इसे ले जाता है शैम्पू करके बाल और दाढ़ी धोने वाले बाबा जी के पास टोटल रुपए 5 From L'Oreal Paris. जो इसे दिलवाते हैं तलवार मगर इस तलवार के लिए इसे गीली करनी पड़ेगी सलवार तो विल तलवार अनलॉक्ड बड़ा आसान है वहाँ रिस रईस ज़ादे ने सोनिया को धनिया फुका के ब्लो बैक के बहाने शंख फुकवा दिया तो उससे खुला एवेंजर्स का पोर्टल जिससे चित्तौड़ी की सेना आने वाली है पर वहाँ चित्तौड़ी नहीं चित्तड़ आ गया तो एक बहुत सारे NPC किल वाली फाइट हो जाए अरे भाई तो रिस को पता चलता है कि इस बंजर जमीन के नीचे है अमृत अगर वो चाहिए तो वह ड्रोना का खून लगेगा बड़ा ही बेकार पासवर्ड है यार ये तो वहाँ ड्रोना आ गया और ये दोनों पता नहीं कहाँ ही देख के बात कर रहे हैं ना तो हमें था ही रिस रिश्ता ही कुछ ऐसा व्हाट एंड विल फाइनल बॉस फाइट शुरू कि तभी रिस यूज करता है छल कपट एबिलिटी और ड्रोना का CGI खून जा गिरा और खुल गया यामिर का पाथ अमृत का पाथ तो रिस जा रहा है अमर होने कि तभी पीछे से एरन ड्रोना उठा और ते मारा बंजर जमीन पे बंदर मुक्का और रिस का घोड़ा थोड़ा सा टर्बुलेंस नहीं सह पाया तो ड्रोना गया इसके पास और बोला सिर्फ एक बात बताऊंगा और ऐसा कह के इसने 5 बात बता दी और विल रिस मर गया जान छूटी ए ये क्या कर रहे हो और इसकी माँ डॉक्टर स्ट्रोन से अनलॉक हो गई तो अब क्या करे एक देसी सुपर हीरो क्या करता है विलन को मारने के बाद वॉरियर बीवी को लुगाई बना के अपने ही महल में रख लेता है और एक चूंटिया बच्चा पैदा करता है बिकॉज व्हाई नॉट बच्चे किसको नहीं पसंद यार पर वेल रिस के आदमी आज भी एक्टिव है तो इसका मतलब पार्ट 2 आएगा नहीं आना चाहिए यार इतने साल तो हो गए तो हैशटैग चलाओ डोंट रिलीज ड्रोना पार्ट 2 प्लीज यार तो ये थी वो मूवी जिसको देख के हर किसी ने कहा वेरी एफर्टेड फिल्म सो होपफुली इट विल ऑल पे ऑफ एंड चिल्ड्रन विल लाइक इट अ लॉट पर ये बच्चे हैं कौन सालों घर जाके छोटा भीम देख लो और चैनल पे अगर आ ही गए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना नीचे जो लाइक बटन है उसे दबा दो कमेंट करके ये बता दो कि पिक्चर कैसी लगी और AOT के रेफरेंस समझ नहीं आए तो AOT की हमारी वीडियो देख लो और एनी अब एक गाना बजा दे भाई वेब सीरीज का टैलेंट अपना दिखा बॉलीवुड तो अजीब सा है बन चुका अजीब सा बॉलीवुड है कोई भी नहीं एक्टर गुड है जो एक्टिंग करते गुड है स्क्रिप्ट उनको मिलती नहीं बॉलीवुड का क्या भरोसा कल को बॉयकॉट हो जाए पर तू ना घबरा भाई OTT पे एक्टर सारे अभिषेक बच्चन का मैं फैन हो गया 10वीं बहुत अच्छी अभिषेक बच्चन एक्टर है बहुत अच्छा क्रिंज छोटी बच्ची भूल जाओ बॉलीवुड को कर दे कंटेंट की साकी नाकी अजीब सा बॉलीवुड है कोई भी नहीं एक्टर गुड है जो एक्टिंग करते गुड है स्क्रिप्ट उनको मिलती नहीं अजीब सा बॉलीवुड है कोई भी नहीं एक्टर गुड है जो एक्टिंग करते गुड है स्क्रिप्ट उनको मिलती नहीं